आज की इस कक्षा में हम गुणनखंड के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये सार्व अर्थात कॉमन भी कर सकते हैं इसको। तो पहला प्रश्न है हमारा 5x और 15। तो पहले 5x का हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो ये होगा 5 × x। अब 15 का करते हैं तो 3 × 5। तो इन दोनों में सार्व गुणनखंड अर्थात जो दोनों में उभयनिष्ठ है या दोनों में कॉमन है। तो पहला हम एक एक करके देखते हैं। ये 5, तो इसमें 5 है, तो क्या ये इसमें है 15 वाले गुणनखंड में? हाँ है, तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा है x, क्या इधर है? इसमें नहीं है, तो हमारा इसका सार्व गुणनखंड 5 आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3x 6x स्क्वायर 9x क्यूब। तो एक एक करके तीनों का हम गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3x का हो जाएगा 3 × x। 6x स्क्वायर को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 3 × x × x। अब 9x क्यूब ये हो गया 3 × 3 × x × x × x। अब चलिए ऊपर से देखते हैं गुणनखंडों को कि कौन सा गुणनखंड तीनों में है, सार गुणनखंड अर्थात तीनों में है, इस तीनों विजय व्यंजक में है। 3 यहां देख रहे हैं, तो 3 यहां है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो एक तो आ गया हमारा 3। उसके बाद है x, तो यहां भी है, यहां भी है, तो ये हो गया x। अब और कोई ऐसा है? नहीं, तो इसका सार गुणनखंड आ गया हमारा 3x। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, यह है 2PQ4Q6PQR। तो एक एक कर पहले की तरह इसका भी गुणनखंड करेंगे। 2PQ 2 × P × Q, इसके बाद है 4Q अर्थात 2 × 2 × Q, 6PQR तो इसका गुणनखंड हो गया 2 × 3 × P × Q × R। अब देखते हैं कि कौन सा गुणनखंड तीनों में कॉमन है अर्थात सार्व है। तो ये 2 देखते हैं, चलिए 2 यहां भी है और यहां भी है, तो एक तो आ गया हमारा 2। इसके बाद P को देखते हैं, लेकिन यहां तो P नहीं है, चलिए अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद Q, तो Q यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये हो गया 2Q अर्थात 2PQ 4Q और 6PQR का सार्व गुणनखंड हो गया 2Q। अब चौथा नंबर देखते हैं, 8x स्क्वायर y और −32xy² तो पहले 8x स्क्वायर y का हम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड करते हैं, तो ये हो गया 2 × 2 × 2, इसके बाद x × x × y। अब इसको करते हैं −32xy², तो ये माइनस था ना, तो इसको हमने लिखा −1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 32 हो जाएगा, 5 बार हम कर रहे हैं 2 को। इसके बाद x गुना × x × y × y, तो देखते हैं सार गुणनखंड इसमें क्या है अर्थात कौन सा गुणनखंड दोनों में कॉमन है। तो पहला तो ये 2, देखिए यहां भी है 2, ये 2 हो गया इंटू ये 2, ये भी है, उसके बाद ये 2 भी है, उसके बाद है ये x, तो यहां भी x है, तो ये भी कॉमन हो गया x। इसके बाद फिर x है, लेकिन नहीं, यहां तो एक ही x है और नहीं है, यहां y है, तो यहां y है,
तो इंटू वाई, तो ये सार गुणनखंड हो गया कितना, टू इंटू टू इंटू टू, एट एक्स वाई। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला प्रश्न ले रहा हूं, 3x माइनस 36, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, और 36 को लिख सकते हैं 3 इंटू 12। तो हम देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन हो गया और यहां बच गया हमारा x माइनस 12। तो ये 3x माइनस 36 का गुणनखंड हो गया है। अब इसके बाद मैं एक और लेता हूं, तीसरा नंबर प्रश्न, ये 9x माइनस 27xy। तो यहां हम इसे 9 इंटू एक्स लिखते हैं और इसे 3 इंटू 9 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, यहां 9 है, यहां भी 9 है, ये 9 हो गया, उसके बाद x है, ये x है। अब इधर हमारा क्या बच गया, 1 माइनस ये 3y, x तो हमने कॉमन ले लिया था, तो हमारा इसका गुणनखंड आ गया 9x इंटू 1 माइनस 3y। एक और मैं ये सिक्स नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, तो ये है 19x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 38x क्यूब y स्क्वायर z। तो इसे हम हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर, क्यों ये आप आगे देखेंगे। 38 को हम लिखेंगे 2 इंटू 19 और x क्यूब को हम लिख रहे हैं x स्क्वायर इंटू x, और इसके बाद है y स्क्वायर इंटू जेड। अब इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, 19 है, यहां भी है, चलिए 19, एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है वाई स्क्वायर। तो अब हमारा यहां क्या बच गया, इनको कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2, ये तो कॉमन ले लिए थे, ये भी कॉमन ले लिए थे, ये बच गया एक्स और उसके बाद जेड। इसी तरह से बाकी अन्य प्रश्नों को आप स्वयं से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहां हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो चारों में कॉमन हो, कोई भी चर या अचर ऐसा नहीं है, तो इसे हम रीग्रुपिंग करेंगे, यानी पुनः समूहन करेंगे, इस तरह का हम इसे ग्रुपिंग करेंगे कि जिसमें कुछ चर या अचर कॉमन हो। तो आइए इसे पहले हम रीग्रुप करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ये, और ये माइनस बी एक्स, चूंकि हमने पहले ब्रैकेट से पहले माइनस दिया है तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा ए बी। अब यहां हम देखते हैं कि क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स में, तो यहां कॉमन है एक्स, तो यहां बच गया एक्स माइनस ए। अब इसमें देख रहे हैं तो यहां बी कॉमन है, तो यहां हो गया एक्स माइनस ए। अब इस भाग और इस भाग है ना, ये जो दो पद है इनमें क्या कॉमन है, तो इसमें हम देख रहे हैं एक्स माइनस ए कॉमन है, तो ये हमारा बच गया इधर एक्स माइनस बी। तो हमारा जो दिया गया व्यंजक था इसका गुणनखंड आ गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब एक और मैं इसका पांचवा नंबर प्रश्न ले रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहां हम देख रहे हैं तीन ही पद है, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं वाई स्क्वायर, और ये हम इसे गुना कर देंगे, तो ये हो गया एक्स वाई
और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें हमारा फिर से हम इसे एक ग्रुप में करेंगे और इसे एक ग्रुप में, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब यहां कॉमन हमारा क्या है, वाई, तो ये हो गया वाई माइनस एक्स, और यहां कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया वाई माइनस एक्स। अब इन दोनों पदों में, इसमें और इसमें, यहां कॉमन क्या हमें दिख रहा है, वाई माइनस एक्स, और ये बच गया हमारा वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह से बाकी अन्य प्रश्नों को भी आप स्वयं से हल कर सकते हैं रीग्रुपिंग करके।